लॉकडाउन में किसान के संकट को देखते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए मोदी सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तीसरे दिन की थी, जिसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र पर सुधार करने के लिए कुछ प्रावधानों में बदलाव की बात की थी और जल्द ही कैबिनेट बैठक में सरकार कृषि से जुड़े हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र के नए केंद्रीय कानून APMC के तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को भी कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर कुछ आवश्यक उपज जिसमें अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध यानी स्टॉक सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में किसानों को रियल टाइम पर देश के अलग अलग बाजारों में किसी भी कृषि उत्पाद का क्या मूल्य मिल रहा है इसकी जानकारी उन्हें मिल सकेगी। किसान अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी फसल को कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस विषय पर कुछ आलोचकों का कहना है कि कारोबारियों और जमाखोरों से किसानों के शोषण को रोकने के लिए APMC कानून लाया गया था, जो अनाज के बर्बाद होने के डर से उन्हें जल्दबाजी में अपनी पैदावार बेच देते थे। अगर APMC कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर शिकंजा हटा लिया जाएगा तो इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने किसानों को फिर से शोषण करने वालों के हवाले छोड़ दिया है। अनाज बेचा जरूर जाएगा, लेकिन कब, कहां और कितना, ये फैसले जनकल्याण की जगह मुनाफे के आधार पर कॉरपोरेट लेंगे। कोई पाबंदी ना रही तो इसी दुनिया के किसी भी कोने में जहां सबसे ऊंची कीमत मिलेगी वहां बेचा जाएगा। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।